दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मोबाइल पर स्कूल में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 1.6। ये NCERT से मैं बता रहा हूँ गणित का। आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ सारे प्रश्न आपको क्लियर होंगे प्रस्ताव 1.6 के, और आपको यहाँ पर साथ ही साथ एक ऐसी ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आप ये प्रश्नावली क्या और भी प्रश्नावली आप बहुत ही आसानी से कर जाएंगे। आप मतलब एक क्वेश्चन अगर आपने ये देख लिया तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आप सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर जाएंगे। उसके लिए आपको बस वीडियो को पूरा शुरू से एक बार अंत तक देख लीजिए तो आपको खुद ही समझ में आएगा वीडियो यूजफुल थी कि नहीं। तो आइए बिना आपका वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये सूत्र जान लीजिए। क्वेश्चन आप मत पढ़िए, क्वेश्चन कुछ नहीं है। सबसे पहले आप सूत्र पढ़िए, सूत्र के बाद आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ जाएगा। हमारा फॉर्मूला है, देखिए ये फॉर्मूला है n, फिर ब्रेकेट में है x यूनियन y। अगर x यूनियन y है तो इसका फॉर्मूला है बराबर n x है ब्रेकेट में प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y। सिर्फ यही फॉर्मूला आप याद करिए, मैं गारंटी ले सकता हूँ पूरे क्वेश्चन आपको ऐसे हवा में आप कर जाएंगे। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न, यहाँ पर क्या है, यदि x और y तो ऐसे समुच्चय है कि n x बराबर 17 दिया है। अब देखिए एक मान मिल गया, n x बराबर 17, n y बराबर 23 दिया है, तथा n x यूनियन y बराबर 38। तो n x इंटरसेक्शन y बराबर क्या होगा, अभी मैं कहता हूं आप, मैं ना बताऊं क्वेश्चन तब भी आप कर लेंगे, आपको सूत्र पता लग गया, बस सूत्र पे आप रख दीजिए। आइए मैं आपको बता ही देता हूं कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हमें देखते हैं इसका मान दिया है क्या, n x यूनियन y का। तो देखिए यहां पर दिया है n x यूनियन y का मान है 38, 38। तो हम यहां पर रख लेंगे 38, हमने रख लिया। अब यहाँ पर बराबर के चिन्ह है तो बराबर, अब फिर यहाँ पर क्या है, इसी तरह मान रखते जाएंगे, जो भी मान है वही रखेंगे। यन यक्ष है तो यन यक्ष बराबर 17 हो जाएगा, तुमने यहाँ पर रख लिया 17। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का निशान, हमने प्लस लगाया। फिर एन वाई है तो यहाँ पर देखिए यन वाई बराबर है 23, तो देखिये हमने लिख लिया 23। यहाँ पर उसके बाद है माइनस, माइनस हमने लगाया, उसके बाद यन यक्स इंटरसेक्शन वाई, यन यक्स इंटरसेक्शन वाई, यही तो हमें याद करना है, तो ये हमारा कुछ मान है नहीं तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, यन यक्स इंटरसेक्शन वाई। तो अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हम 38 ऐसे ही लिख देते हैं, बराबर 7 3 10 की 0 हासिल, 1 2 1 3 1 4, यहाँ पर 40 हो गया, माइनस यन यक्स इंटरसेक्शन वाई। देखिए अब ये कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही आसानी तरीके सॉल्व होगा। देखिए ये जो माइनस है आप इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए यन यक्स इंटरसेक्शन वाई, इसको आप सिर्फ यहाँ पर 40 ही बचेगा, और इधर जो ये प्लस में है 38, इधर लाएंगे तो माइनस 38 हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए क्या होगा, फिर होगा यन यक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 2, सिर्फ यहाँ पर अब 2 बचा। अब ये देखिए ये सवाल आपको समझ में आ ही गई होगी, ना समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, आपको बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। बाकी इससे अच्छा तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यार अब आपको समझ में नहीं आया तो और कैसे आएगा समझ में। सबसे पहले आप सूत्र याद कीजिए, उसी हिसाब से आप मान रख दीजिए। देखिए सभी चीजें आप दी गई हुई है, यहाँ पर यूनियन मतलब सभी लिखा जाता है, सभी का योग है, और यहाँ पर इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इसमें सिर्फ 2 ही कॉमन है। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। अगर आपको यार कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मुझसे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर ब्लू कलर का होगा उस पर टिक करिए तो आपको इंस्टाग्राम पर आप आ जाएंगे, वहां पर मैसेज कर लीजिए, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो देखिए यहां पर है प्रश्न संख्या 2, यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि यक्स यूनियन वाई में 18 है, यक्स में 8 और वाई में 15 अवयव है, इतना पता लग गया आपको, तो यक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव होंगे। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसके अंक बदल दिए हैं। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें यहां पर आपको बताया कि यहां पर देखिए सूत्र लिख लीजिए आप, सूत्र क्या है, यन यक्स यूनियन वाई बराबर आप लिखेंगे यन यक्स प्लस यन वाई माइनस यन यक्स इंटरसेक्शन वाई, ये है सूत्र। अब इसी का मान आप रख दीजिए, देखिए यन यक्स यूनियन वाई, यहाँ पर देखिए यक्स यूनियन वाई में 18 अवयव हैं, तो आप इसको लिखेंगे 18 अवयव, कैसे लिखेंगे, जैसे लिखा जाता है, देखिए 18 अवयव बराबर। अब देखिए यहाँ पर यन यक्स है, यन यक्स, यहाँ पर यक्स का मान कितना है 8 है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं प्लस,
अब वाई कमांड पूछ रहा है तो आपको इसमें अब y कमांड रखना है। कैसे रखेंगे, देखिए n y, यहाँ पर n y आप ढूंढिए, n आपको मतलब नहीं, यहाँ पर देखिए y ढूंढिए, y में 15 अवयव है, साफ साफ लिखा है y में 15, x में 8, x यूनियन y में 18, तो देखिए y में कितने हैं 15 अवयव, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 15 अवयव माइनस n है, फिर यहाँ पर ब्रेकेट x, ये इंटरसेक्शन y, तो n x इंटरसेक्शन y, हम ऐसे ही इसको लिख देंगे, इसको x है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको यही उतारेंगे, पहले ये और ये सॉल्व करेंगे, देखिए 18 बराबर यहाँ पर 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2 23 हो गया, बिल्कुल हो गया माइनस एन यक्स, देखिए हो गया। उसके बाद अब देखिए इस ये माइनस में है, इसको इधर ले जाएंगे प्लस में आ जाएगा एन यक्स इंटरसेक्शन वाई, ये बचेगा यहाँ पर सिर्फ 23, यहाँ पर देखिए 23 बचा। उसके बाद ये जो प्लस में है 18, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे किधर आएगा, देखिए अगर इधर माइनस होता है प्लस नहीं आता, अब यहाँ पर प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस 18 हो जाएगा। उसके बाद एन यक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर यहाँ पर देखिए 5 आ जाएगा, ये आ गया आंसर सेकेंड का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन थर्ड, देखिए फर्स्ट सेकेंड दोनों सेम ही, मैंने आपको बताया कि अगर आपने ये सूत्र आपने लर्न कर लिया तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3, देखिए क्या है प्रश्न संख्या 3, ये है 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, इसमें आपको माइंड लगाना है। अब मैंने आपको ही बताया था कि यहाँ पर जैसे देखिए अगर यक्स यूनियन वाई मतलब यूनियन रहता है तब तो जुड़ता है, और अगर उसमें कॉमन पूछा जाए तो उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो अब इसमें आप कैसे पहचानेंगे कौन सा क्या, देखिए यहाँ पर लिखा है 400 व्यक्तियों के समूह में, मतलब व्यक्तियों का समूह मतलब सभी व्यक्ति हैं उसमें, मतलब कुल मिलाकर सभी व्यक्ति हैं, तो आपको ये पता लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं यूनियन का मान कह रहा है। तो ये देखिए हिंदी और इंग्लिश है, यच और ई, इसको आप बनाइएगा। तो हमें यहाँ पर दिया है, क्या दिया है हम लिख लेते हैं, दिया है हमें हिंदी यूनियन, हिंदी का और इंग्लिश का यहाँ पर दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश का कितना मान 400 है, और यहाँ पर देखिए सिर्फ हिंदी जो है वो 250 व्यक्ति बोल पाते हैं, तो इसको आप लिखेंगे सिर्फ हिंदी का, सिर्फ यहाँ पर हिंदी, इसको 250 व्यक्ति बोल पाते हैं, और यहाँ पर इंग्लिश दिया है, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी यहाँ पर है, 200 व्यक्ति अंग्रेजी बोल पाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आप यन, ये यन है ई, ई मतलब होता है इंग्लिश, तो कितने व्यक्ति बोल पाते हैं 200 व्यक्ति, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 200 व्यक्ति जो है वो इंग्लिश बोल लेते हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया अगर कॉमन कहीं पूछे तो आप जान जाइए वो इंटरसेक्शन ही पूछा है। अब ऐसे इसमें से कितने व्यक्ति हैं जिनको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, तो अब आपको बताते हैं इनमें से कितने व्यक्ति हैं जिनको हिंदी तथा इंग्लिश आती है, मतलब हमें ज्ञात करना है यन इन यहाँ पर यच इंटरसेक्शन ई, आपको यही ज्ञात करना है। अब हम ये जो सूत्र अभी जाने थे यहाँ पर यन यच यूनियन ई बराबर यहाँ पर यन यच लिख देते हैं, यहाँ पर ये यच उससे आपको मतलब नहीं, मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से इसको बदलता रहेगा, यक्स वाई जेड जो भी रहेगा, प्लस यन ई माइनस यन यच इंटरसेक्शन ई हो गया। देखिए यन यच यूनियन ई, यच यूनियन ई ये है 400 बराबर ये यन एच का मान दिया है 250, प्लस एन ई का मान दिया है 200 माइनस एन यच इंटरसेक्शन ई। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, सबसे पहले हम 400 ऐसे उतार देंगे बराबर इसको इसको जोड़ेंगे 450 हो जाएगा माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ये इधर माइनस में है, जब ये हम इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इसको ये प्लस में है इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो एन एच इंटरसेक्शन ई ये प्लस में ही आ गया इधर बराबर 450 में से 400 हम माइनस कर देंगे, देखिए ये हो जाएगा एन एच इंटरसेक्शन ई ये हो जाएगा बराबर 50 के,
जी आगे मतलब इसमें यहाँ पर 50 ऐसे व्यक्ति हैं, 400 व्यक्तियों के समूह में ऐसे 50 व्यक्ति भी हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। अगर यार आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, और आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारे प्रश्न आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर से वॉच करिएगा। और इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया तो यार वहां पर भी जाइए फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।